हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। लेट्स सी, देखते हैं आपकी जिंदगी में कौन आ रहा है इस टाइम फ्रेम पे। आपके साथ कौन कनेक्ट हो, कौन कनेक्ट होना चाह रहा है, कौन आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे जनरेट कर सकती हूँ। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो सभी तरीके से देखें, और अगर आप लड़के हैं तो सभी तरीके से देखें। ठीक है, चलें। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू? आपकी तरफ कौन आ रहा है? मेरे व्यूअर की तरफ कौन आ रहा है? आपकी लव लाइफ में आपकी तरफ कौन आ रहा है? रिस्ट्रिक्शन। कोई टॉक्सिक पर्सन है, जो कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पर्सन। ठीक है, ये पर्सन आपकी लव लाइफ में इंटरेस्ट ले रहा है और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है, पजेसिव हो रहा है आपको लेकर। ऑब्सेस्ड, एक ऑब्सेशन वाली एनर्जी है। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई कंट्रोलिंग फिगर है ये। ठीक है, कोई कंट्रोल करना चाहता है, कोई रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पर्सन, जो बहुत ज़्यादा एक कंट्रोल करना, हर चीज़ को लीड करना, हर चीज़ के साथ एक लीडरशिप क्वालिटीज, बॉटम ऑफ द डेक है भी लीडरशिप। ठीक है, बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं इस पर्सन के अंदर, और ये आपकी तरफ आपकी एक बहुत ज़्यादा एक बैलेंस एनर्जी को देखकर अट्रैक्ट हो रहा है। अगर इस वक्त आप बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये कोई है जो पर्सन आपकी आपकी बैलेंस एनर्जी को देखकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। इस पर्सन का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है आपकी बैलेंसिंग लाइफ को देख लेकर, आपकी बैलेंस एनर्जी को लेकर। काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्ट देने वाली एनर्जी है, ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है और आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। रिसीविंग की एनर्जी है एक एम्प्रेस, और एक मतलब कि एक फुल फीलिंग आपको एक पर्सन की तरह देख रहा है, फुल फीलिंग पर्सन की तरह बहुत ज़्यादा कनेक्ट होना चाह रहा है ये आपके साथ लाइफ में। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन का कार्ड क्यों आया है। क्लैरिफायर रिस्ट्रिक्शंस। एक बहुत ज़्यादा ये पर्सन जहाँ भी है अपनी सक्सेस को पर बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है, अपनी सक्सेस पे बहुत ज़्यादा फोकस है। ठीक है, सक्सेसफुल पर्सन है, लोग इसको जानते हैं। कोई बहुत ज़्यादा ऐसा फिगर हो सकता है, कोई मतलब कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मशहूर हो सकता है, या तो अपनी जो भी काम करता है, वर्क करता है, वर्क एरिया में, अपनी फैमिली में, एक बहुत ज़्यादा एक इस पर्सन को लोग जानते हैं, इस पर्सन को लोग समझते हैं। अगर ये ऑफिस में भी वर्क करता है तो एक बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, एक लीडरशिप क्वालिटीज़ वाला पर्सन है, चीज़ों को लीड करता है, टीम को लीड करने वाला पर्सन है, चीज़ों को एक ग्रोथ की तरफ ले जाने वाला माइंड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने गोल्स को लेकर एक फोकस होता है ये पर्सन। जब अपनी लाइफ में कुछ ठान लेता है तो उसको अचीव करता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट देख रहा है, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉस्पेरिटी, बहुत ज़्यादा आप एक अबंडेंट पर्सन की तरह बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक अट्रैक्शन स्ट्रांग है। क्लैरिफायर रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस की क्यों एनर्जी है? क्लैरिफायर रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस की क्यों एनर्जी है? क्लैरिफायर रिस्ट्रिक्शंस, इस यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस की क्यों एनर्जी है? ये कौन है मेरे व्यूअर की लव लाइफ में आना चाह रहा है? इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चूजी पर्सन है। यहाँ पे दोबारा एम्प्रेस की एनर्जी। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परफेक्ट पर्सन चाहिए, परफेक्ट स्पाउस चाहिए, बहुत ज़्यादा अगर मेल है तो बहुत एक लविंग केयरिंग अपनी वाइफ, लविंग केयरिंग अपना पर्सन, और अगर कोई ये फीमेल है तो बहुत ज़्यादा एक प्रोटेक्टिव पार्टनर चाहता है, बहुत ज़्यादा मतलब के प्रोटेक्टिव पार्टनर जो बहुत ज़्यादा एक फ्लरिश, जिसकी लाइफ हो अबंडेंट पर्सन हो, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड लविंग एनर्जी रखता हो। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी पर्सन आपको देखकर अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ये आपको एक इमोशनल पर्सन की तरह देख रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, मेल या फीमेल है दोनों, एक फेमिनाइन एनर्जी। अगर आप मेल भी हैं तो इस आपकी लेडी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, ये पर्सन इस वक्त इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। ये मत समझें कि इस पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस नहीं है, बहुत से ऑप्शंस क्रिएट हैं। ठीक है, और ये सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, अपनी ग्रोथ इस पर्सन के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, बहुत ग्रोथ पे इसका फोकस रहा है पास्ट में। पास्ट में इसने बहुत अपनी ग्रोथ पर, अपनी अबंडेंट लाइफ पर बहुत ज़्यादा वर्क करा है। मटेरियलिस्टिक पर्सन हो सकता है और एक चूजी पर्सन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक चूजी पर्सन है। अपनी लाइफ में ये
किसी एक सेटिस्फेक्शन वाले पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहता है, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत मुश्किल से किसी की तरफ, किसी को अपनी लाइफ में आने की जगह दे सकता है, किसी के साथ कनेक्ट हो सकता है, इसको बहुत मतलब कि इसको बहुत ज़्यादा एक सेटिस्फेक्शन बआसानी नहीं मिलती। इसकी लाइफ में कितनी ही चॉइसेस हो, ये एक परफेक्ट पर्सन को पसंद करता है। लेकिन आपकी तरफ जो अट्रैक्ट हो रहा है, आपकी एक एम्प्रेस वाली एनर्जी, आपकी इमोशनल काइंड, अनकंडीशनल लव, कनेक्ट होना, पॉजिटिविटी देना, आपकी इन सब चीज़ों को लेकर अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ये कौन मेरे व्यूवर की लाइफ में कनेक्ट कर रहा है? इस पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। फाइनेंशियल हो गया, मटेरियलिस्टिक हो गया, बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, लेकिन फिर भी ये एक सेटिस्फेक्शन इसको बहुत मुश्किल से मिलती है। इसको एक लॉयल, ऑनेस्ट और बहुत ज़्यादा जेनरस पर्सन चाहिए। ठीक है, हाँ, इंस्पायरेशन, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुद भी एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी और आपसे भी इंस्पायर हो रहा है। ठीक है, काफ़ी एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है, लोग इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि फ़नी होगा कम्युनिकेट करने में, बहुत ज़्यादा जॉली काइंड एनर्जी होगी, हंसना, जब अगर आपसे एक बैलेंस बन जाएगा। वैसे तो ये बोरिंग पर्सन है, अगर आपको चूज ना करे तो एक बोरिंग इंसान है, बहुत ज़्यादा बोरिंग इंसान है, बहुत ज़्यादा खामोश इंसान है, बहुत ज़्यादा रिजिड इंसान है। अगर ये आपको चूज कर ले तो ये आपके साथ एक प्लेफुल एनर्जी में रहना जाएगा, खुद भी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है और आपको भी एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी की तरह देखा है, एक इंस्पिरेशन। ठीक है, आप लोग एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन का काम कर सकते हैं इन फ्यूचर के लिए। इस पर्सन का आपकी तरफ मूवमेंट करने का मकसद ये है कुछ न्यू क्रिएट करना। ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा फायरी, ये बहुत ज़्यादा होप लेकर आ रहा है, फायरी, बहुत ज़्यादा एक फायरी सिचुएशंस, फायर, बहुत ज़्यादा एक फायर दिख रही है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर क्वालिटीज़ हैं, गुड क्वालिटीज़ हैं, लेकिन कंट्रोलिंग पर्सन है, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये अपने पर्सन को अगर चूज़ करेगा तो उसको होल्ड करेगा, उसको कंट्रोल करेगा, उसको उसको ये अपने तरीके से चलाना, उसको अपने तरीके से थोड़ा सा एडजस्ट करवाना चाहेगा। ठीक है, ये इस टाइप का पर्सन है, इस बात को याद रखिएगा। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, खुद भी ये पर्सन एक वैल्यूएबल पर्सन है। ठीक है, एक तो आप में भी वैल्यू देखकर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करवाना चाहेगा, थोड़ा सा आप इसके दिमाग से चलें, थोड़ा सा आप इसको इसको ज़्यादा वक्त, इसको ज़्यादा वैल्यू, इसको ज़्यादा टाइम दें, इसके इसके इसको समझने की आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, बहुत से लोग हैं जो इसकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। ठीक है, कैरिफा इंस्पायरेशन, स्लो है, काफ़ी ज़्यादा स्लो आ रहा है, ये स्लो मूवमेंट कर रहा है, ये आपकी तरफ मूवमेंट कर रहा है लेकिन स्लो कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर किस तरीके का ड्रामा है, ये अपनी लाइफ में किसी ड्रामे से हील हो रहा है। ठीक है, कोई ड्रामा फेस कर रहा है इस पर्सन ने, और ये अपने किसी लाइफ में ड्रामे से हील हो रहा है और इमोशनली हील हो रहा है, खासतौर पे कुछ इमोशंस को लेकर इस पर्सन ने कहीं पर ड्रामा फील करा है, कहीं बहुत ज़्यादा इसने मतलब कि या तो इसने यही, ये कोई आपका पास हो सकता है, इसके साथ आपके बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट रहे, किसी आर्ग्यूमेंट वाली चीज़ों से ये बाहर आ रहा है। ठीक है, अगर पास्ट आर्ग्यूमेंट में आपका रिलेशनशिप किसी पर्सन के साथ अटका हुआ था, तो ये वो पर्सन है जो पास्ट आर्ग्यूमेंट से निकलना चाहता है, इमोशनली हील हो रहा है, ओपन अप होना चाहता है। ये इस टाइम फ्रेम पे इंस्पायरेशन मतलब थोड़ा इंस्पायरिंग, एक इंस्पायर हो रहा है आपसे, एक प्लेफुल एनर्जी में आना चाहता है, लेकिन बहुत स्लो पर्सन है। अगर ये पास वाला पर्सन है तो बहुत स्लोली मूव कर रहा है, और ये मतलब कि एक स्लो स्लो बहुत इत्मीनान सब्र के साथ मूवमेंट करना चाह रहा है। ठीक है, आपकी तरफ जो मूवमेंट करना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो इत्मीनान और सब्र के साथ मूवमेंट करना चाह रहा है। ठीक है, हीलिंग, इस पर्सन की इमोशनली हीलिंग हो रही है, किसी ट्रॉमा से, किसी ड्रामा से, किसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल रहा है। रीबर्थ, ये पर्सन आपका कोई पास्ट पर्सन हो सकता है। ठीक है, ये अगर यहाँ पर एक पास्ट पर्सन की जो एनर्जी है ना, इस पर्सन के लाइफ में आपके अलावा पास्ट पर्सन बहुत ज़्यादा चॉइसेस रही हैं, चॉइसेस इसकी ज़िंदगी में, लड़कियों को लेकर ले लें, जॉब्स को लेकर ले लें, लड़कों को लेकर ले लें, बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, मर्जी का मालिक है। ठीक है, पास में शायद ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, कोई ये पास पर्सन रिबर्थ चाहता है, रिटर्निंग फ्रॉम योर पास्ट, कोई ऐसा पर्सन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, रिटर्न बैक कर रहा है, जो आपके पास्ट से कनेक्टेड है, एक रीबर्थ, क्योंकि पास्ट में इसने कुछ ना कुछ किया है यहाँ पर, और जिसको लेकर ये इस वक्त इसको पता है, इसने यहाँ पर एक ड्रामा क्रिएट करा है। ठीक है, द जर्नी, पास कोई जर्नी रही है आपकी इस पर्सन के साथ। ठीक है, कोई पास बहुत कॉन्फ्लिक्टेड जर्नी रही है जिसको आपने फेस करा है इस पर्सन के साथ,
बिल्कुल अवेकन हुआ है, जो भी इसने पास्ट में आपके साथ किया है उस चीज को लेकर अवेकन हुआ है, ठीक है। आपने अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करा इस पर्सन को, इसने बहुत सी चीजें एक्सप्लोर करें, बहुत से लोगों को देखा, लेकिन इसको आप जैसी क्वालिटीज, आप जैसा इमोशनल टच, आप जैसा इमोशनली कनेक्शन इस पर्सन को कहीं भी फील नहीं हो सका, ठीक है। जो कनेक्शन, जो लव, जो केयर, जो इमोशन, जो फीलिंग्स आपके साथ इसने जैसे महसूस करी, वो किसी और के साथ नहीं करी, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि ये आपके जैसा पर्सन नहीं सर्च कर सका अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जितना भी इसने एक्सप्लोर करा उन सब चीज़ों में। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, कैरियर ओरिएंटेड है, ग्रोथ पे काम करता है, अपनी लुक्स पे काम करता है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परफेक्ट पार्टनर चाहिए होगा, ठीक है, जिससे भी आप डील कर रहे हो। अगर ये आपका पास्ट रिटर्न कर रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा परफेक्शन की वजह से कहीं आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इसके माइंड में परफेक्शन, हर किसी की डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो इसकी परफेक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है। ये पास्ट पर्सन बहुत चूजी पर्सन, चॉइसेस में चूज करना, ठीक है। अजान हो रही है, अजान के बाद मैं दोबारा कंटिन्यू करती हूँ स्टडी को, ठीक है। जस्ट ब्रीथ। एक हीलिंग फेस इस पर्सन ने गुजारा है इस रिलेशनशिप में, मतलब कि यहाँ पर जो ब्रेकअप हुआ, जो एंडिंग हुई, बहुत कुछ रियलाइज करा है, ठीक है। एक्सप्लोर करने के बावजूद कुछ नहीं मिल सका, कुछ हासिल नहीं हो सका, ठीक है। जो पास जर्नी रही, इस पर बहुत अवेकनिंग भी रही है, जो ये आपके साथ कर रहा था, लेकिन एक हीलिंग फेस यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है। लॉस, बहुत ज़्यादा एक लॉस फील कर रहा है इसने आपके ना होने की वजह से। अपनी लाइफ में बैलेंस और हीलिंग करने की कोशिश करिए, ठीक है। ये पर्सन एक रीबर्थ चाह रहा है, लेट्स सी, देखते हैं ये किस तरीके का रीबर्थ है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आपके साथ चाह रहा है। क्लैरिफाई रीबर्थ, यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी क्यों आई है। क्लैरिफाई रीबर्थ हु इज कमिंग, मेरी व्यूअर की लाइफ में कौन आ रहा है। कोई पास्ट रिलेटेड पर्सन है, इमोशनली हील हो रहा है, इसने इमोशनली डैमेज करा है, इमोशनली इसने माइंड गेम्स खेले। आप इमोशनली कनेक्टेड थे, लेकिन बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहा है ये आपके इमोशंस की वजह से, या आपकी काइंड जेनरोसिटी की वजह से, अनकंडीशनल लव की वजह से ये आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई रीबर्थ, यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी क्यों है। इस रिश्ते पे ये काम करना चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है, मैरिज, ये पर्सन मैरिज कमिटमेंट के लिए आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है। ये मतलब कि मैरिज को लेकर इस रिलेशनशिप में वर्क करने के लिए आ रहा है, ठीक है। कमिटमेंट को लेकर, ये कमिटमेंट किसी सॉलिड प्लान को लेकर, मैरिज और कमिटमेंट को लेकर यहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट कर रहा है। क्लियर कट हो चुका है, पास में कुछ क्लियर हुआ आप दोनों के बीच, ठीक है। एम्प्रेस ये आपको ही पसंद करता है, ये आपके ऊपर स्टक है, मेंटली स्टक हुआ हुआ ये पर्सन, इसकी नज़रें आपके ऊपर ही है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। क्लियर हो चुका है, आपके साथ मैरिज करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, स्टॉकिंग सर्चिंग चल रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो ये बातें चल रही हैं, ठीक है। पीछे की तरफ ही आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है। एक रीबर्थ चाहता है इस रिलेशनशिप में, डेलीकेशन, कम्प्लीटली फोकस काम करना चाहता है। इसने पास्ट में वर्क नहीं करा है, इस रिश्ते में ओपन अप नहीं हुआ है इमोशनली, अब ओपन अप होना चाहता है, इस रिश्ते में कम्प्लीटली हार्ड वर्क करना चाहता है, ताकि ये इस रिलेशनशिप को बना सके। इसने पास्ट में वर्क नहीं करा है इस रिश्ते में, ठीक है, ये बात ये जानता है। आपके Who is coming towards you? आपकी तरफ कौन आ रहा है? बर्डन, किसी तरीके का बर्डन है इस वक्त। इस ये पर्सन बर्डन लिया हुआ है, पास्ट का बर्डन लेकर आ रहा है, पास्ट का काफी ज्यादा बर्डन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है। कोलैबोरेट, पता नहीं आप यहाँ पर इस रिश्ते में दोबारा वर्क करने चाहेंगे या नहीं। सेंडिंग के बाद जो एंडिंग हुई है, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है आपका रिलेशनशिप, आपको रेस्ट करने का भी मौका मिला है, हीलिंग करने का चॉइसेस हैं आपके सामने। इस पर्सन को लगता है आप चूज करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि पास्ट साइकिल यहाँ पर क्लोज हो चुकी है, ठीक है। ये पर्सन वो आपके साथ फैमिली बनाना चाह रहा है, ये मतलब कि एक लेगेसी चाह रहा है आपके साथ बनाने, ठीक है। इमोशन, कोई इमोशनल मेचोरिटी मिली है इस पर्सन को, समझ में आया इसको आपसे क्या चाहिए, ठीक है। इस एंडिंग के बाद समझ में आया ये आपसे क्या चाहता है, लेकिन पास्ट बर्डन है, पास्ट का स्ट्रेस है, पास्ट की आपको खोने का डर है, इस चीज़ का बर्डन लेकर ये अपने साथ चल रहा है कि आपकी तरफ मूवमेंट करे तो आप क्या, क्योंकि अब आपकी लाइफ में भी चॉइसेस हैं। आपने काफ़ी ज़्यादा रेस्ट कर आपने इस रिश्ते पर काम कर आपने सोचा होगा आपको क्या हासिल वसूल हुआ, आपको करना क्या चाहिए, चाहे यहाँ पर कुछ भी चल रहा था, लेकिन मतलब कि एक एक फेज खत्म हो चुका है, एक एंडिंग आ चुकी है। अब न्यू फेज स्टार्ट होने के लिए अब इस पर्सन को पता है न्यू आइडियाज़ हैं अपनी लाइफ में, आप हील कर रहे हैं खुद को, तो आप कहीं और भी मूवमेंट करना चाह सकते हैं। इस पर्सन को पता है आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, ठीक है, आप चाहें आगे बढ़ सकते हैं, आप जिस चीज को चाहे चूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ये पास्ट को लेकर, पास्ट सिचुएशंस को लेकर, पास्ट एक्शंस को लेकर बर्डन में, क्लैरिफाई बर्डन, यहाँ पे बर्डन की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई बर्डन, यहाँ पे बर्डन की एनर्जी क्यों आई है।
आगे बढ़ रहा है, इस बर्डन से ये रिलेशनशिप निकल रहा है, कम्युनिकेशन होने वाली है, अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो ठीक है, ये पर्सन इस बर्डन से बाहर निकलना चाहता है, अकोमोडेट की तरफ मूव करना चाहता है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, इस पर्सन के लिए बहुत भारी है आपकी तरफ स्टेप लेना, एक्शन लेना, ठीक है, इस बर्डन से, हम एनर्जी से, पास्ट के बर्डन से, पास्ट की रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी हो सकता है, इसने पास्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से भी इसमें कुछ ना कुछ आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, क्योंकि अपनी लाइफ में कहीं और भी बहुत ज़्यादा ये वर्क कर रहा था, अपनी ज़िंदगी को कहीं और भी संभाल रहा था, लेकिन कुछ कम्युनिकेशन ने पास्ट में आपको बहुत ज्यादा क्लियर करा है। आप लोग के बीच रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं जो आप लोग के रिश्ते में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पर ऐसा है जो आप लोग के डिफरेंसेस चल रहे हैं इस वक्त टाइम फ्रेम पे, ठीक है, मतलब कि पास्ट में कुछ रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस को भी लेकर इसने कुछ ना कुछ बोला हो, फैमिली बर्डन हो इसके ऊपर, ठीक है, फैमिली, यहाँ पर फैमिली बर्डन हो और कुछ पास्ट से बैगेजेस लेकर ही अपने लाइफ में आ रहा हो, ये आपसे एज में बड़ा हो सकता है, ठीक है, मटेरियलिस्टिक पर्सन रहा है पास्ट में काफी ज्यादा, इसने पर्सन ने अपने इस पर्सन को क्या फायदा होगा, इस पर्सन के लिए क्या सही रहेगा, इसने ये सब कुछ सोचकर बहुत पास्ट में गलतियां करी हैं, ठीक है, क्या ये पर्सन मेरी व्यूअर की तरफ एक्शन लेगा, क्या ये पर्सन मेरे व्यूअर की तरफ एक्शन लेगा, बिल्कुल लेगा, एक न्यू साइकिल बिगिन करना चाहता है, या आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाहेगा, ठीक है, यहाँ पर ये इस पर्सन एक एस ऑफ पैंटिकल एंड हार्ड वर्क, ये पर्सन वर्क करना चाहता है, एट ऑफ जेम्स एंड एस ऑफ पैंटिकल, मतलब कि एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, ये पर्सन हार्ड वर्क करना चाहता है, रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन करना चाहता है, काम करना चाहता है, क्लैरिफाई द वर्ल्ड, क्या ये पर्सन मेरी व्यूअर की तरफ एक्शन लेगा, ये आपकी तरफ अपोलॉजी के लिए तो आना चाहता है, मतलब कि एक, एक मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कहीं एक एक मेंटल मेंटल जेल से, इस मेंटल ब्लॉकेज जिससे, इस बर्डन सम एनर्जी से निकल कर पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहा है, क्लैरिफाई द वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई द वर्ल्ड, ये क्लियर है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, ठीक है, इसने बहुत अच्छा ही लॉजिकल होकर डिसीजन मेकिंग करी है, बहुत लॉजिकल रहा है, कुछ डिसाइड, कुछ डिसीजन मेकिंग हो चुकी है, इस पर्सन को किसी तरीके की क्लैरिटी चाहिए थी जो उसको पास में मिली है, ये पर्सन क्लियर हो चुका है, यहाँ पर इसको इसने डिसीजन मेकिंग कर लिया है कि आपके साथ न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट चाहता है, ठीक है, कम्प्लीटली एक न्यू बिगनिंग चाहता है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पर्सन हो सकता है, ठीक है, कंट्रोलिंग फिगर, रिजिड, जिद्दी पर्सन, अपनी जिद पे अड़ जाने वाला, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी 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 वैल्यूज़ को ज़्यादा वैल्यू देने वाला, अपनी फैमिली, अपनी चीजें, अपना इर्द गिर्द, मतलब किस पर्सन के साथ आपने बहुत सी प्रॉब्लम इसके जिद की वजह से भी फेस करी है, इसके ईगोस्टिक नेचर की वजह से भी फेस करी है, ठीक है, मतलब कि एक बहुत चूजी और डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, बहुत मुश्किल से ये पर्सन समझ आने वाला पर्सन है, आपने अपने तरफ से पूरी कोशिश करी इसको हर चीज सही है, इसके सामने क्लियर रहे, क्या ये पर्सन मेरी व्यूअर की तरफ एक्शन लेगा, ये इस पर्सन के माइंड में एक पैशनेट इफ न्यू स्टार्ट आपके साथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच रहा है, लेकिन यहाँ पर इस कोल्ड डिटैच एनर्जी के बाद ये कुछ प्रैक्टिकल होकर कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहा है ये आपको लेकर, ठीक है, कुछ डिसीजन हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, द स्टार होपफुल है फ्यूचर को लेकर आपकी तरफ, अबंडेंस, अबंडेंस के लिए होपफुल है, द टावर, यहाँ पर टावर की एनर्जी रही है, सडन कुछ हो सकता है, ठीक है, अबंडेंस की एनर्जी है, पेंटिकल, फाइनेंसिस बहुत इस पर्सन के लिए मैटर कर रहे हैं इस टाइम पे भी, ठीक है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे रिजुविनेशन की एनर्जी, द स्टार की एनर्जी क्यों है, किस चीज के लिए होपफुल है, ये मैरिज सोच रहा है आपके साथ, आपको पता है ये इस रिश्ते के लिए होपफुल है, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है, ये इस पर्सन को अपनी गलतियां समझ में आई हैं, ठीक है, अब ये बैलेंस करना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक चाहता है, ये कोई पास्ट से रिटर्न कर रहा है आपकी लाइफ में, देखिए ये पर्सन क्लियर हो चुका है, आपके साथ कम्युनिकेशन में आना चाह रहा है, आप लोग के बीच अभी डिस्टेंस है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही, आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, आप दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, ठीक है, कम्युनिकेशन आपका भी, आप भी मैसेज और टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं पर्सन भी, लेकिन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुका है, आप लोग की भी जो भी पास्ट प्रॉब्लम्स थी वो क्लियर हो चुकी है, पर्सन ड्रीम कर रहा है आपके साथ, अपना फ्यूचर देख रहा है और मिसिंग एनर्जी है, मिस कर रहा है, याद करता है, पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड हो रहा है, ठीक है, आपको लेकर ऑब्सेस्ड हो रहा है, फिर ये एनर्जी है, ये आपको नहीं दूर जाने देना चाहता, ये चाहता है आपके साथ इस एंडिंग के बाद इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इसको छोड़ देंगे, आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं इस एंडिंग के बाद, ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा आपकी मेमरीज को होल्ड कर कर बैठा हुआ, ये नहीं चाहता कि आप एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाएं, आप एक न्यू स्टार्ट की तरफ जाएं, आप आगे ना बढ़ सकें, ठीक है, ये पर्सन नहीं चाह रहा, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इस टॉक्सिक सिचुएशन की एंडिंग हो चुकी है, ठीक है, यहाँ पर इस टॉक्सिक साइकिल को आपने अपनी तरफ से एंड कर चुका है, आप इस सिचुएशन से निकल कर फ्री होकर आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इस सिचुएशन से निकल रहे हैं, वन मोर कार्ड,
आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आप वॉक अवे कर रहे हैं सिचुएशन से, आपने अपने आप को एंड कर दिया है, आप फ्री होके सिचुएशन से निकल रहे हैं, आप इस रिलेशनशिप पे इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है, इस पर्सन को नहीं पता इसको क्या करना चाहिए अभी, बहुत ज़्यादा अभी भी आपको लग रहा होगा इसका ईगो खत्म नहीं हो रहा, सब कुछ खत्म हो गया इस रिश्ते में, इसका ईगो खत्म नहीं हो रहा, लेकिन ये ईगोइस्टिक पर्सन आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड करना चाहता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहता है ताकि आपको अपनी लाइफ में ला सके, हर्मिट एनर्जी में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, चाहे अभी गोस्ट कर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा सॉलिड प्लान बना रहा है, ठीक है, बैक ऑफ द स्टोरी कुछ सॉलिड सिचुएशंस के बारे में इसके माइंड में चल रहा है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी, बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहा है इस वक्त, ये आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, आप इसकी एम्प्रेस हैं, ठीक है, आपके साथ कुछ स्टेबिलिटी बिगिन करना चाहता है ये, यहाँ पर अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो रहा है ना, तो ये अब अपनी ईगो को साइड रखकर आपकी तरफ मूवमेंट, हार्ट ब्रोकन है, आप दोनों ही हार्ट ब्रोकन हैं, ठीक है, यहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे को होल्ड कर कर बैठे हुए हैं, आप भी नहीं भूल पा रहे, ये पर्सन भी नहीं भूल पा रहा, ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे को होल्ड करके बैठे हुए, बहुत द मिसिंग एनर्जी है दोनों की तरफ से, दोनों एक दूसरे को विश कर रहे हैं, दोनों की तरफ से हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, दोनों की तरफ से हर्ट है, यहाँ पर आप दोनों ही इन खुशियों को एक एक साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अभी भी इस टाइम फ्रेम पे भी आप लोग एक साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग हो रही है यहाँ पर, क्योंकि आप दोनों की मैनिफेस्टेशन एक ही तरीके की विश को लेकर है, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट हो रही है, एक न्यू फेज स्टार्ट होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, आप लोग कुछ न्यू मैनिफेस्ट होता हुआ इस रिश्ते में देख सकते हैं, ठीक है, हाँ कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाली हैं इस रिलेशनशिप में, अच्छी देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए, ये कोई पास पर्सन है जो रिटर्न रिटर्न बैक कर रहा है, क्योंकि आप भी मिस कर रहे हैं और ये भी पर्सन, आप दोनों सिमिलर एक टाइम पे एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक ही दोनों की एक दूसरे के लिए विश है, आप दोनों ही अनकंडीशनली एक दूसरे के लिए ओपन हो चुके हैं, एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लव के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि आपकी फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा हैं इस पर्सन की, इस पर्सन की भी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए, एनर्जी फ्लो इंटेंशन गोस, ठीक है, यहाँ पर एनर्जी, एक एनर्जी का सिमिलर फ्लो है, मैंने कहा ना यहाँ पर आप लोग एनर्जेटिकली एक दूसरे को सिमिलर वे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सिमिलर वे में आप एक दूसरे को इस रिलेशनशिप में एक जैसे ऑब्सेस्ड कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इस रिलेशनशिप में एक दूसरे को सिमिलर वे में चाहते हैं, ठीक है, आप होप कर सकते हैं इस रिलेशनशिप एक मिरेकल मैनिफेस्ट हो रहा है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए एक सिमिलर एनर्जी में है, ठीक है, व्हेन आई लीव टू अनलीड, ठीक है, यहाँ पर लव के लिए लीड कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग एक लविंग एनर्जी में एक दूसरे के लिए होपफुल रहे हैं, यहाँ पर मिरेकल हो सकते हैं, यहाँ पे एक मिरेकल होने वाला है, क्योंकि आप लोग का एनर्जी फ्लो एक दूसरे के लिए इंटेंशंस जब सिमिलर हो जाते हैं तो आप दोनों एक आप लोग एक सेम पेज पे आ जाए, द यूनिवर्स हैज़ माई बैक, यूनिवर्स बैक ऑफ द स्टोरी वर्क कर रहे हैं, रिलैक्स रहें, कुछ परेशान मत हो, अपनी ट्यूशन को सुने, आप सब कुछ जानते हैं, आपकी इंट्यूशन आपको आंसर कर रही है, आपकी इंट्यूशन आपसे कम्युनिकेट कर रही है, आपकी इंट्यूशन आपके आप सरेंडर कर दें, और मतलब कि कंप्लीटली अपने आप को आप सरेंडर कर दें सिचुएशन पे, यूनिवर्स आपको पता है बैक ऑफ द स्टोरी वर्क कर रही है, ठीक है, आपके रिलेशनशिप की एक स्ट्रॉन्ग डार्कनेस खत्म हो चुकी है, एक पॉजिटिव आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक टीचिंग आपकी एक द आई ऑफ आर टीचिंग, ठीक है, ऑफ लव, आपने लव के थ्रू बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में, बहुत से लेसन्स लर्न करें, लेकिन ये लव के थ्रू आपका एक मतलब के लव आपने लव को चूज़ करा बहुत ज़्यादा यहाँ पे, लव के जरिए आपने अपनी लाइफ में बहुत से प्रोसेस से गुजरे, बहुत सी लर्निंग सिचुएशंस आपने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, बहुत कुछ सीखा है ये, इसका जरिया सिर्फ लव बना, ठीक है, जो है द अल्टीमेट क्रिएटर, ठीक है, यहाँ पर आप एक अल्टीमेट क्रिएटर, हर चीज़ हमारे डिवाइन ने क्रिएट करी हुई है और आपको भी क्रिएट उन्होंने करा, और आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी है, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करें, ठीक है, एक जॉयफुल एनर्जी में रहें, एक प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, लव तक पहुंचने का, ये आपकी लाइफ में बहुत से फियर्स को ओवरकम करके जाएगा, ठीक है, आपको आपको एक विनर बना के जाएगा, ये जो भी प्रोसेस है इस प्रोसेस में रहें, ठीक है, इस प्रोसेस को समझें, जो भी एक टाइम लगता है ये प्रोसेस के थ्रू आपकी लाइफ को गुजरना पड़ता है, ये आपको हर फेयर पे ओवरकम कर देता है, आप हर फेयर्स आप जो भी आपके माइंड में एक फेयर बना हुआ होता है आप उससे ओवरकम हो जाते हैं और एक बिगनिंग को आप मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ को, और ये लाइफ टाइम के लिए करते हैं, कुछ टाइम के लिए नहीं करते, लाइफ टाइम के लिए करते हैं, ठीक है, आई एम लव एंड मिरेकल एंड नेचर नेचुरल, ठीक है, मिरेकल नेचुरल होते हैं, इस बात को एक्सेप्ट करें और नेचुरली
चीजों को अनफोल्ड होने दें, नेचुरली मिरेकल को अपनी लाइफ में आने दें, एक मिरेकल एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही, तो उस बात को थोड़ा सा पेशेंस रखें, सरेंडर कर दें, थोड़ा सा अपनी लाइफ में आप कहीं और फोकस रखें, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करते रहें, ठीक है। ये क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ग्रजेस रिलीज कर चुके हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। स्टडी को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलना और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।